क्या बात है, इतना महंगा लैपटॉप. जरूर आपके पिताश्री धनी व्यापारी होंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो बस ये स्कॉलरशिप की देन है. अच्छा अच्छा, ठीक है. आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इस ऐप की वजह से हर मिनट बहुत से लोगों के बहुत से पैसे बर्बाद हो रहे हैं. Yes, ma'am, I'm trying my best. I am an expert, ma'am. वो क्या है ना, आपके साइबर सेल की तरह प्रेडिस्टिंग काम नहीं करता. क्या थोड़ा नाजुक काम है, वक्त लगता है. आप तब तक मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर मंगा लेते तो, मतलब अगर इफ यू डोंट माइंड. वो क्या है ना, थोड़ा भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया. कॉम्बो बोलो, जाओ लेकर आओ. ये लो आपका कॉम्बो. प्लेट में ले आओ ना, निकाल के दो उसे प्लेट में प्लीज. जल्दी जल्दी करो बिल्लू, जल्दी जल्दी. आप ये जारी रखिए. आ गया बर्गर, आ गया, खाइए. I am the genius, I am the genius, I am the genius. Yes, I am Billy the Spy. क्या उखड़ पाए? बस तुम्हारे कमी था, दो चार ठो बटन दबाकर केस भी सॉल्व कर दो. नहीं आए हो वैसे, सॉरी. हाँ तुम क्या कह रहे थे? ये आईपी एड्रेस से पता चला है कि ये आईपी एड्रेस कोई विनय नाम के आदमी का है, जो की लॉगर और क्लिक जैकिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारा फ्रॉड कर रहा है. भाई साहब, आप ही हो जो ऑनलाइन चोर को पकड़ने आए? भाई साहब हाँ, हम ही है वो. हम ही बर्बाद हो चुके, हमको ही लूटा है इन्होंने. मैडम, हमारा पैसा नहीं मिला ना तो बहन की शादी टूट जाएगी. तो तुम्हारे जैसे घनचक्कर के साथ ऐसा ही होना चाहिए. जब तुम जैसे लालची टोपा लोग खुद लूटने को तैयार बैठे हैं. हमको लूट के जाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था ना. पर दिमाग कैसे लगाओगे, उसके लिए दिमाग होना भी तो चाहिए ना. बेसुरे का फिर भी इलाज हो सकता है, लेकिन कंसुरे का कोई इलाज नहीं होता. समझो हमारी बात को. हाँ ले जाओ, जो चाय पिलाने आए थे वो भी अपने साथ लेके जाओ. रखो जी. तो आप क्या कह रहे थे? तो मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ. एक मिनट. थैंक यू. अगर आप लोग ये चाय पियेंगे तो क्या होगा? मूड फ्रेश हो जाएगा, मजा आ जाएगा. अब पियेंगे तो क्या? भैया डेमो दे रहे हो, उल्टी आ रही है उसको देख के. आ रही है ना, आ रही है ना. एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था. ये जो विनय नाम का साइबर क्रिमिनल है, इसने अपने जो चल 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 ऐप में दो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं जिसका नाम है की लॉगर और क्लिक जैकिंग. तो जब भी आप इसका ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपका फोन ऑटोमेटिकली अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर में उगल देता है. इन शॉर्ट, जितना आप अपने फोन के बारे में जानते होंगे, ये ऐप डाउनलोड करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन उस आदमी के पास पहुंच जाती है. वो भी जान चुका होता है तो वो धीरे धीरे आपके अकाउंट से पैसे निकालना शुरू करता है और अपने वॉलेट में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है. एक मिनट, धीरे धीरे काहे? जब वो एक बार में पूरा पैसा निकाल सकता है, खाली कर सकता है, तो धीरे धीरे काहे करेगा? हाँ, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके इस गेमिंग में फंस सके. वो क्या है ना, एक शिकार से दूसरे शिकार के बीच में तो नए शिकार मिलते हैं. अब वो एक ही बारी में सबके अकाउंट खाली कर देगा तो सबको पता चल जाएगा, फिर कोई उसका ऐप यूज ही क्यों करेगा, बताओ. बहुत चातुर समझता है अपने आप को ये विनय. पकड़ के लाइए उसे थाने, उगलवाते हैं सच. जी मैडम सर. मैडम मैंने कुछ नहीं किया. मैडम प्लीज मेरे विश्वास करो, आपको पक्का कोई ना कोई गलत फहमी हो रही है. अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया. मैडम सर ये सारे सबूत है, देखिए लैपटॉप, ये हार्ड ड्राइव, जो ये साबित करते हैं कि चल 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 ऐप का करता धरता यही लड़का है. मैडम ये सब झूठ है. झूठ मत बोलो. हिमालय से लेके राजस्थान तक दौड़ा दौड़ा के तुम्हारे हलक से पैसा निकालेंगे, झूठ बोले तो. नाटक करने का कोई फायदा नहीं है. सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि अपने जुर्म कबूल कर लो और जिन जिन के पैसे तुमने ठगे है ना उन्हें वापस कर दो वो पैसे. नहीं है मैम, सच्ची पैसे नहीं है मैडम मेरे पास. नहीं है पैसे. लाखों करोड़ों का धंधा करते हो, काला धंधा, ठगी कर रहे हो ऑनलाइन और बोलते हो पैसा नहीं है.
झूठ मत बोलो वरना वो उड़न खटोला बनाएंगे ना तुमको कि जब जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे। दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा क्या समझे। मैडम मैडम मैं निर्दोष हूँ मैडम, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैडम आप प्लीज मेरे पे विश्वास कीजिए मैडम। मैडम सर मैडम सर, बाहर ठगी से शिकार लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया, उन लोगों को पता चल गया कि उन लोगों को ठगने वाले को हम लोग यहाँ पर गिरफ्तार करके बैठे हुए हैं। सबके सर पर ना एकदम खून सवार है, सब लोग गुस्से में, सब लोग चाहते हैं कि इसको बाहर हम लोग भेजे, वो लोग अपना पैसा वसूलना चाहते हैं इससे। चल रहे अरे और तुम्हारी दुर्गति के बीच में खड़े हैं हम। बाहर जो भीड़ है ना वो तैयार खड़ी है तुम्हारे हलक से पैसा निकलवाने के लिए। या तो तुम हमें सच बता दो और बता दो कि पैसा कहाँ है, या तो हम तुम्हें भीड़ में छोड़े जो तुम्हें भंबोड़ने के लिए खड़ी है। मैडम मैं सही कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है मैडम, मैं निर्दोष हूँ मैडम। तुम निर्दोष तो फिर ये सबूत कहाँ से आए हमारे हाथ में, हवा में उड़ के आए क्या? मैडम ये मेरे प्रोजेक्ट का सामान है। ये भी बात सही है कि मैं एक ऐप डिजाइन कर रहा हूँ लेकिन वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, उसके ट्रायल राउंड चालू है, अभी तो ऑफिशियल लॉन्च होने बहुत टाइम है मैडम। क्या हुआ कुछ पता चला? बिल्लू ने तो यही बिल्डिंग बताया था पर यहाँ पे रोहन नाम के इंसान को कोई नहीं जानता है। हमने पहले ही कहा था हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। एक इंसान जो होता है ना वो हजारों मुखौटे लेकर घूमता है, जैसा मौका वैसा मुखौटा। अब खुद को ही देख लीजिए, थाने में अलग और हमारे लल्ला के सामने अलग। लल्ला से याद आया ना? लल्ला लल्ला से ही याद आएगा ना आपको, लल्ला से ही याद आएगा, लल्ला की याद थोड़ी ना आएगी आपको। लॉक कर रहे साइकिल। चली चली कहाँ? चली चली कहाँ जा रहे हैं? अंदर नहीं जाना है। अरे नहीं पर अंदर जाएगा तभी पता चलेगा ना उसका ऑफिस कौन सा है इस पूरे बिल्डिंग में। हाँ तभी तो पता चलेगा ना कहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और ये साइकिल उसका यहाँ खड़ा है तो आएगा तो यहीं से आएगा ना, यहीं मिलेगा ना आपको। हाँ सर इसलिए यहीं वेट कर ले। बच्ची है क्या? बचपना नहीं जा रहा है क्या? और हम यहाँ पिकनिक बनाने नहीं आए, काम करने आए हैं। हाँ पता है काम ही कर रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं काफी समय हो गया वो अभी तक बाहर नहीं आए, अंदर चले क्या? चलिए रख के चलते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना अंदर। यही घड़ी तो हमने रोहन के हाथ में देखा था, इसका मतलब ये रोहन ही है जो आया था साइकिल पर मगर निकल रहा है मोटरसाइकिल पर बीस बदल कर। तुम्हारी मैया की सासू मैया। चलो करिश्मा सिंह ये सब। मैडम सर ये तुम्हारी हिम्मत। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैडम सर यही है सारे टंटे का असली जड़, पूरे रैकेट का जिम्मेवार यही इंसान, यही हमारा मुजरिम है, यही लड़का। क्या बात है, बहुत हुआ मासूम लोगों के पैसों पे आया आशी करना, अब सरकारी पैसों पे ना तुम्हारा सेहत बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात को कोर्ट में कैसे साबित करेंगे, ये प्रूफ कैसे करेंगे इसने जो कुछ भी किया है? हम बताते हैं ना मैडम सर, हमारे पास सबूत है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण लड़का जो स्कॉलरशिप के रहमो करम पर जी रहा है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? आप देखिए अभी फोन गिफ्ट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को जो 1 लाख से कम का नहीं होगा, महंगी बाइक है, महंगा लैपटॉप है, ये सब पैसे कहाँ से आ रहे तुम्हारे पास? जवाब है चलना नहीं है। फ्रॉड आदमी, पैसे दे मेरे पैसे वापस कर, मेरे बहन की शादी के लिए पैसे थे वो। होल्ड ऑन, टेक इट इजी, गिव मी अ मिनट, मैं अभी सबको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, मैं सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूँ। ये जो फोन है ना मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए लिया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे लिया, इसकी रिसिट है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, लो देखो। Thank you.
और रही लैपटॉप की बात, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो मुझे स्कॉलरशिप पे मिला है और मैंने वो बाइक अपनी मेहनत से कमाई के लिए है। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, दिन रात एक करके मैंने वो बाइक ली है। उसका भी इंस्टॉलमेंट की रिसीट है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं आपको। ये लो देखो, अभी देखिए। रही मेरे बैकग्राउंड की बात, तो हाँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसका क्या ढिंडोरा पीटू मैं अपने फ्रेंड के आगे? और वो जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मैं क्यों ना वो लाइफस्टाइल जीऊं? मैं भी तो वही सब डिजर्व करता हूँ जो वो करते हैं, वही तो कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ मैं इसमें? मैडम सर, इसकी बातों में मत आइए, ये शब्दों के खेल खेल रहा है, आप हमें बस परमिशन दीजिए, अभी इसका सारा खाया पिया ना हम अब भी उगलवा देंगे। करिश्मा सिंह, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैडम, इनके परमिशन का तो पता नहीं, आप अगर परमिशन दे तो कैन आई लीव? वो क्या ना, मेरे दोस्त बाहर खड़े हैं, अब वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, अब वो कहीं मीडिया ना बुला ले, बात फालतू में बिगड़ जाएगी, इससे बेटर है मैं कैन आई लीव विथ योर परमिशन। ठीक है, थैंक यू मैम, फोन, थैंक यू। अब इससे मुझे लगता है मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, गुड्डी की शादी टूट जाएगी, सब मेरी बेवकूफी की वजह से। अरे ऐसे बेकार इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मां भक, क्या बकैती कर रहे हो तुम? अरे इतना बड़ा शरीर है मगर चूहे जितनी भी हिम्मत नहीं तुम्हें, खबरदार जो है मरने मरने की बात की तो। हम सब है ना तुम्हारे साथ, ये हमने आज सुबह ही पैसे निकाल लिए थे, बहुत ज्यादा नहीं है पर जितने थे उतने तुमको दे रहे हैं, ले ले। हमारे जोड़ दिए इसमें? हाँ सब है सब। मैडम, हम भी तुम्हारे लिए पैसा कुछ लेकर आए थे भाई, रखना यार तुम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।